मिसाइलों और बारूदों की बौछार और बेतहाशा मौत। दो सालों से गोलियों की तड़तड़ाहट ने मानो दो देशों के बीच इस कदर कोहराम मचाया है कि इसकी चीखों को ना तो नजरअंदाज किया जा सकता है और ना ही दरकिनार। फरवरी 2022 से शुरू हुए रूस और यूक्रेन जंग को पूरे दो साल बीत चुके हैं और अभी तक इसके खत्म होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के ऐसे कई बयानों ने ये भी खौफ पैदा कर दिया है कि कहीं ये जंग तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील ना हो जाए। रूसी राष्ट्रपति चेतावनी देते हुए कई बार कह चुके हैं कि अगर नेटो देशों ने यूक्रेन में सेना भेजी तो उन्हें परमाणु युद्ध का सामना करना होगा। इस बयान के बाद से ही ये सवाल तेजी से उठने लगा है कि क्या नेटो देश पर्दे के पीछे से यूक्रेन का समर्थन करते रहेंगे या फिर यूक्रेनी सरजमी पर उतरकर सीधे रूस से मुकाबला करेंगे। इस बीच यूरोप के एक देश ने भी जंग के मैदान में उतरने का मन बना ही लिया है। फ्रांस ने रूस के विरोध और यूक्रेन का साथ देने के लिए अपनी टुकड़ियों को यूक्रेनी धरती पर भेज दिया है। अमेरिका के पूर्व रक्षा उप सचिव स्टीफन ब्रायन ने दावा किया कि फ्रांस ने आधिकारिक तौर पर यूक्रेन में अपनी पहली सेना भेज दी है। फ्रांसीसी सैनिकों को स्वालियान शहर में यूक्रेन की 54वीं इंडिपेंडेंट मैकेनाइज्ड ब्रिगेड के साथ तैनात किया गया है। फ्रांसीसी सैनिकों को 3री इन्फेंट्री रेजिमेंट से लिया गया है जो फ्रांस की विदेशी सेना में से एक है। आने वाले समय में करीब 1500 फ्रांसीसी सैनिकों के यूक्रेन पहुंचने का कार्यक्रम है। हालांकि फ्रांसीसी अधिकारियों ने अभी तक इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है। वहीं इटली के ला रिपब्लिका अखबार के मुताबिक नेटो की यूक्रेन में तुरंत अपनी सैन्य टुकड़ी भेजने की कोई योजना नहीं है। एशिया टाइम्स की रिपोर्ट्स की माने तो फ्रांस की विदेशी सेना में बड़ी संख्या में यूक्रेनी और रूसी सैनिक शामिल थे। बताया जाता है कि यूक्रेनी सैनिकों को साल 2022 में जंग की शुरुआत के बाद सेना छोड़कर यूक्रेन की सेना से जुड़ने की इजाजत दी गई। हालांकि ये साफ नहीं है कि रूसी सैनिक वापस अपने देश लौटे या नहीं। हालांकि फ्रांस की विदेशी सेना को फ्रांसीसी अधिकारी ऑपरेट करते हैं मगर सभी अधिकारी और कर्मचारी विदेशी हैं। फ्रांस की विदेशी सेना में 3 साल तक की सेवा देनी होती है। इसके बाद जवान फ्रांस की नागरिकता हासिल कर सकते हैं। अगर कोई सैनिक घायल हो जाता है तो वो बिना किसी इंतजार के सीधे फ्रांस की नागरिकता का हकदार होता है। खास बात है कि विदेशी सेना में कोई महिला नहीं है। बताया गया कि फ्रांस के विदेशी सैनिकों को सीधे युद्ध क्षेत्र में तैनात किया जा रहा है। इसका मकसद डोनबास में रूसी सैनिकों की अजेय बढ़त पर यूक्रेनी सैनिकों के साथ अंकुश लगाना है। इस सेना में शुरुआती 100 तोपखाने और सर्विलांस स्पेशलिस्ट बताए गए हैं। गौरतलब है कि बीते कई महीनों से फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों यूक्रेन में सेना भेजने की बात करते आ रहे हैं मगर उन्हें न तो पोलैंड, बाल्टिक देशों और न ही नेटो देशों से कोई समर्थन मिला है। ऐसा दावा है कि अमेरिका नेटो सैनिकों को यूक्रेन में सलाहकारों के अलावा भेजने का विरोध करता रहा है। हालांकि एक्सपर्ट्स की माने तो फ्रांस ने अपनी सेना को तैनात नहीं किया है बल्कि भेजे गए जवान फ्रांसीसी नागरिक नहीं है। ऐसे में ये देखना काफी अहम रहेगा कि अपनी 3री इन्फेंट्री रेजिमेंट से सैनिकों को भेजने के फ्रांस के फैसले का रूस पर कितना असर पड़ता है। साथ ही आने वाले दिनों में इन सवालों पर से भी पर्दा हट जाएगा कि क्या यूक्रेन में नेटो की भागीदारी पर रूस की लाल रेखा पार होती है, क्या रूस इसे यूक्रेन की सीमाओं से परे एक भीषण जंग की शुरुआत या यूं कहें तीसरे विश्व युद्ध के रूप में देखता है।